हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। इन टिप्स का यूज करके आप अपना समय तो बचाएंगे ही, साथ में पैसे की भी बचत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली टिप मेरी है फ्रेंड, किसी भी रेसिपी के लिए हम जैसे बैटर को तैयार करते हैं, हम डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, कुछ भी ढोकला वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए हम बैटर को मिक्स करते हैं तो स्पून को हमें बीच में रखना पड़ता है बार बार। तो जैसे हम रखते हैं तो हमारे ये बाउल के अंदर ही स्पून चला जाता है, तो उससे हमें बड़ी दिक्कत होती है। बार बार हम इसे निकालते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं खास टिप लेके आई हूँ, आप एक इस तरह का एक रबर बैंड ले लें, स्पून के पिछले वाले हिस्से पर रबर बैंड को 5-6 फोल्ड करके इस तरह से लगा दीजिए। लगा देने के बाद आप बाउल में इसको किसी भी तरह से रखें, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका ये स्पून बाउल के अंदर नहीं जाएगा। तो जैसे बैटर आप मिक्स करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी ये धागे को लेकर है। अक्सर हम रील के धागे को रखते हैं, रील के बॉक्स में रखते हैं, तो ये सारे उलझ जाते हैं। तो इस तरह से आप एक चाकू ले लीजिए और रील को, जो रील का ऊपर वाला हिस्सा है, उसको थोड़ा थोड़ा सा देखिए इसमें कट लगा दीजिए। आप इसको कट लगाने के बाद जैसे हम सिरे को ढूंढेंगे, सिरे को ढूंढने में हमें अक्सर दिक्कत आती ही है, तो इसको आप जैसे हम कट हमने लगाया है उस वाले कट में आप देखिए इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ इसी तरह से आप धागे को डाल दें। ऐसे आप सब रील में कर लेंगे तो रील के धागे आपस में उलझेंगे भी नहीं और हमें सिरे को ढूंढने में भी बिल्कुल भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये, सुई में हम धागा डालते हैं फ्रेंड, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत आती है, तो धागे को हम आसानी से नहीं डाल सकते। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो इसमें डालने में, सुई में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरी आप ये टिप देखिए, आप एक गूंथे हुए आटे को ले लें, आटे को देखिए ऐसे आप धागे के आगे वाले हिस्से सिरे पर लगाएंगे। तो सिरे पर लगाकर इसको अच्छी तरह से आप देखिए इस तरह से 4-5 बार दोनों उंगलियों की हेल्प से ऐसे कर दीजिए, इसे धागा थोड़ा हार्ड हो जाएगा। धागे के सूख जाने के बाद हम इसे सुई में जैसे डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से चला जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, देखिए कितना आसानी से हमारा ये चला गया है। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, तो आपको भी ये भी टिप बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये चश्मों को लेकर है फ्रेंड। हम सबके घरों में चश्मा तो सब लगाते ही हैं, बच्चे भी लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं, और अब तो गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो सनग्लासेस भी लगाते रहते हैं, तो ये बड़े गंदे हो जाते हैं। इनको साफ़ करने की मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक कोई भी ले सकते हैं आप, मैंने ये ड्यू ली हुई है, तो आपको जो आपके घर में कोई भी हो तो उसको ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बची हुई थी, मैं देखिए इसको कॉटन पर मैंने इसको लगा लिया है कोल्ड ड्रिंक को, और मैं इनको चश्मों को देखिए दोनों तरफ से ऐसे इन पे अच्छी तरह से कोल्ड ड्रिंक को लगा दूंगी। तो इसी तरह से मैं सारे चश्मों पर इनको लगा दूंगी। इससे हमारे चश्मे बिल्कुल फ्रेंड जैसे नए लाते हैं ना हम, बिल्कुल ऐसे इस तरह से चमक जाएंगे। आप भी कहेंगे ये बिल्कुल यूजफुल टिप है। तो इस तरह से मैं सारे चश्मों पर इनको लगा दूंगी। इसको लगा देने के बाद अब मैं सिंपल ये साफ कॉटन ले ली है मैंने, और इसको देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से रब कर ले, जिससे कोल्ड ड्रिंक हमारी अच्छी तरह से इसको देखिए बिल्कुल साफ कर देगी। तो इस तरह से हम अंदर बाहर से दोनों तरफ से इनको अच्छी तरह से रब कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे चश्मों को रब कर लूँगी। तो देखिए आप भी देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे चश्मे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसको भी अच्छी तरह से रब कर लेती हूँ। देखिए सारे हमारे साफ़ हो गए हैं। उसके बाद आप कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें, कॉटन का ले लें या कोई भी टॉवल ले लें कॉटन का। तो देखिए इस तरह से आप इनको चश्मों को पोंछ लें। मैंने हल्का सा गीला कर लिया था इसको टॉवल को, तो इस तरह से आप चश्मों को पोंछ सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल एकदम आपके जैसे नए लाते हैं ना मार्केट से, बिल्कुल इस तरह के चश्मे हो जाएंगे। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय, एंजॉय।